पवई में रविवार की सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक पागल कुत्ते ने अलग अलग स्थानों से 11 लोगों को काट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि एक लाल रंग के पागल कुत्ते ने पवई नगर के अलग अलग वार्डों में जितेंद्र सिंह बुंदेला उम्र 35 वर्ष, शहीद आवनो उम्र 50 वर्ष, संजय दहायत उम्र 6 वर्ष, सत्यन साहू उम्र 13 वर्ष, हकी बाई उम्र 40 वर्ष, टिल्लू प्रजापति उम्र 15 वर्ष, साक्षी कुशवाहा उम्र 8 वर्ष, सचिन कुशवाहा उम्र 12 वर्ष, साथ ही उमरिया में लक्ष्मी प्रसाद पटेल उम्र 40 वर्ष, रूप सिंह आदिवासी उम्र 45 वर्ष, उम्र साक्षी पटेल उम्र 10 वर्ष को काट कर घायल कर दिया। घायलों को परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जहां डॉक्टर एमएल चौधरी द्वारा इलाज किया गया। इनकी जानकारी लोगों द्वारा नगर परिषद सीएमओ हरि बल्लभ शर्मा को दी गई। नगर परिषद टीम द्वारा उस पागल कुत्ते को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पागल कुत्ते की लोकेशन नहीं मिल पा रही है की बात है। हम लोग सब लोग बाहर बैठे थे कि 5-6 लोगों को अलग अलग वार्डों में जाके एक पागल कुत्ता ने शिकार किया, सबको काटा है। और ये सब 5-6 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये दवाई के लिए आए हुए हैं। और सुबह सुबह की बात है, ये लाल सी कलर का एक भूरज कलर का कुत्ता है जो पागल हो चुका है, बैठे बैठे भी काट लेता है, कोई बैठा भी हुई दरवाजे में तो उसको अचानक हमला कर देता है। अभी कहाँ किनको काटा थोड़ा सा? ये हमारी माता जी वार्ड नंबर 3 से हैं, हम लोग इनको काटा। और बाजू में भी पलंग पे 2-3 लोग हैं, उनको भी 7 नंबर 13 नंबर के बच्चों को भी काट लिया है। 4 नंबर वार्ड के भी एक बच्चे को काट लिया है उस पागल कुत्ते ने। चारों तरफ घूम रहा है सर, सब इसको उसका इंतजाम किया जाए, उसके वन विभाग से या नगर पालिका से जो भी हो उसका उसकी इंतजाम किया जाए, भाई के अंगला कोई शिकार ना हो सके, जो 4-5 लोग ये हो चुके हैं, ये तो ना कम से कम आगे बढ़े। कोई पागल कुत्ता फिर रहा है उमरिया में, जिसने 3 लोगों को काटा है, एक जगनपुरा लोग को काटा है और एक बच्ची भी है 7-8 साल की, उसको काटा है। और पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।